और काफ़ी लंबे अरसे से ये इन्फॉर्मेशन गैदर की गई थी कि ये जो स्टोर है यहाँ पे जो है इलीगली जो है कॉन्ट्राबैंड्स, जिसमें एनडीपीएस प्रोविजंस के अंडर फॉल होने वाली ड्रग्स और साथ में कुछ प्रोहिबिटेड ड्रग्स जिनको कंट्रोल्ड वे में सेल करना है, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं कर सकते, इस तरह की ड्रग्स जो है सेल की जा रही थी। और इसी इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप करते हुए जो पुलिस टीम द्वारा जो है इनकी होमवर्क किया गया, और ये भी पता चला कि इस शॉप के साथ ही एक स्टोर भी है जो यहाँ के जो लाइसेंस होल्डर है उनके द्वारा इस एरिया में जहाँ से ड्रग्स का सप्लाई होता है, तो जो कि जेन्युइन लीगल वे से जो सेल किया जा सकता है और स्टोर किया जा सकता है, और जो इलीगली सेल किया जा रहा था और जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन जिन ड्रग्स को सेल नहीं किया जा सकता है, ऐसे ड्रग्स भी वहाँ पे पाए गए। और ये जो पूरी रेड और इंस्पेक्शन है ये कल करीब जो है 8 घंटे जो है उस एरिया में लगातार कंटिन्यूसली ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम द्वारा की गई। पुलिस टीम में डीएसपी कांगड़ा अंकित, एसएचओ कांगड़ा संजीव जी और उनके साथ एसपी ऑफिस की टीम्स, इन्होंने इस कार्रवाई को वहाँ पे कंप्लीट किया। और सीजर्स के दौरान जो एनडीपीएस के तहत ट्रेमेडॉल, एटिजोलम, स्टोपेलम, साइकोजेन, इस तरह के ड्रग्स मिले, और कुछ ड्रग्स जो कि एनडीपीएस के प्रोविजंस में तो नहीं आते लेकिन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के वायलेशन में वहाँ पे पाए गए। तो कुल जो सीजर हुआ है इसमें 925 टैबलेट्स, जो कि नेट वेट अगर उनका देखा जाए तो 128.76 ग्राम्स, और 10 इंजेक्शंस ट्रेमेडॉल जिसके 2 ml का पर इंजेक्शन जो है वहाँ पे सीज किया गया, जो कि पुलिस पाई जाएंगी तो ड्रग जो इलीगली विदाउट स्टॉक और इलीगल तरीके से ये ड्रग्स स्टोर में किससे सप्लाई हुए हैं और क्या इनका सोर्स रहता है, उस पे हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिक द्वारा ही हमसे शेयर की गई है। मेडिकल स्टोर्स में ड्रग्स रहेंगे ही क्योंकि वो मेडिकल स्टोर है, लेकिन कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल नहीं किया जा सकता, और कुछ प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं जिनका स्टॉक मेंटेन उनको करना है, और जिसको भी वो इशू करते हैं उसका एक रजिस्टर रहता है उसको मेंटेन करना है। लेकिन यहाँ की जो इनपुट है कि आमतौर पे जो मेडिकल डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब ड्रग्स के अलावा यहाँ पे इस स्टोर पे जो है इलीगल वे में और अनप्रिस्क्राइब्ड वे में ड्रग्स जो हैं बच्चों को या बड़ों को या जो भी व्यक्ति उनको बेचे जा रहे थे, तो एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस में हमें ऐसे ड्रग्स मिले जिनका, जैसे मैंने नाम बताया, ट्रेमेडॉल है, एटिजोलम है, स्टेलोपाम है, साइकोजेन है, तो ये सारी जो ड्रग्स हैं ये एक शेड्यूल एच में ड्रग्स ये रहती हैं, और इनको स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस के लिए ही मेडिकल स्टोर से दिया जा सकता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट डॉक्टर्स एंगेजमेंट इन ड्रग्स को सेल करना अलाउड नहीं है, और यदि कोई सेल करता भी है डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे भी, तो उसको एक पूरा स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करना है ताकि उसका पूरा हिसाब जो है कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी टीम चेक करना चाहे तो मिले। यहाँ पे इस केस में इस जो सीज्ड आइटम्स है इनकी स्टॉक में एंट्री नहीं है, दैट मीन्स कि ये इलीगल वे में स्टोर पे प्रेजेंट थी, और यही इसी वजह से जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत इनको बुक किया गया, और इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन का विषय भी यही है कि यदि ये स्टॉक में नहीं है तो किस तरह से इस स्टोर तक ये ड्रग्स आई हैं, और इसका एक्चुअल सोर्स, फैक्ट्री सोर्स जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ है, वो हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें रहेगा। देखिए, ये पुलिस मैंडेट का पार्ट नहीं है, हम लोग जैसे मैंने आपको बताया एक जॉइंट रेड ही कर सकते हैं, और हमें ड्रग इंस्पेक्टर्स का सहयोग इसमें चाहिए होता है। हमें बहुत अच्छा सहयोग यहाँ पे गग्गल में ड्रग इंस्पेक्टर का मिला भी है, और इस तरह की सूची मेंटेन जो है मुझे लगता है ड्रग इंस्पेक्टर जो है या इनके जो ऑफिसेज है उसमें मेंटेन होगी। बट यदि ये लगता है, अगर ऐसा इनपुट है कि ये विषय इन्वेस्टिगेशन का है, इंक्वायरी करने का है, तो डेफिनेटली ड्रग इंस्पेक्टर जो है उनसे और उनके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे इसको शेयर किया जाएगा, और यदि इसमें पुलिस कार्रवाई का कोई भी एंगल निकलता है तो उस पर हम काम करेंगे। देखिए, जो मैं फिर से कहूँगी, हमको ड्रग्स को उस नज़रिए से समझना है कि जो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स हैं जिसकी वजह से आपको साइकोट्रॉपिक इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सभी ड्रग्स जो हैं लिस्टेड हैं एक शेड्यूल में जिसको एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका नाम लिखा गया है या केमिकल कंपाउंड्स उनके लिखे गए हैं,
जो भी उस कैटेगरी में फॉल करता है, अगर वो इलीगली परचेज हो रहा है, सेल हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो वो जो है एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजंस में आएगा। जैसे इस केस में भी सेक्शन 21, 60, 85, इन सेक्शंस में हमने एनडीपीएस एक्ट के तहत ही मुकदमा दर्ज किया हुआ है और उसी के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो उस शेड्यूल एच में तो नहीं आते हैं, मतलब वो साइकोट्रॉपिक ड्रग्स की श्रेणी में तो नहीं आते, लेकिन वो पेन रिलीवर्स हैं, वो सर्जरी स्पेसिफिक ड्रग्स हैं, या वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे यदि कोई एक्सट्रीम आपकी मेडिकल कंडीशन है, तो उन ड्रग्स का सेल परचेज है वो भी एक कंट्रोल्ड मैनर में ही होता है और होना चाहिए। उसका स्टॉक भी एक कंट्रोल्ड लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। तो जो स्टॉक हमें ज़्यादा मिला है, जो नॉर्मल से ज़्यादा मिला है, उसको ड्रग इंस्पेक्टर ने सीज करा है अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, और ड्रग इंस्पेक्टर की अपनी प्रक्रिया है। अब वो उसको बैकवर्ड जाके उसको चेक करेंगे, जैसे 1619 टैबलेट्स इसमें हमें ऐसी मिली हैं जो वहाँ पे जिनका स्टॉक नॉर्मल से ज़्यादा लग रहा था। अब वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और वो एनडीपीएस एक्ट के तहत तो नहीं है क्योंकि वो साइकोट्रॉपिक श्रेणी में नहीं है, लेकिन वो वायलेशन ज़रूर है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में। तो उसमें प्रोविजंस जो है ड्रग इंस्पेक्टर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो उसको साथ में लेके गए हैं, सीज करके लेके गए हैं, और उसके बाद यदि उसमें पुलिस एक्शन कुछ होना है तो हमें इंटीमेशन आएगी। यदि उसमें लाइसेंस सस्पेंशन है या उसमें कोई पेनल्टी प्रोविजंस है या जो भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में ड्रग इंस्पेक्टर को जो कार्रवाई करनी है वो उसमें आगे बढ़ाएंगे।